जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं। भिखारी मत बनो, भिखारी मत बनो, जो जाता है वो जाने दो, आएगा वही वापस भी देख लेना। तो कामयाब तो हो, असफलता मिलने के बाद कभी कभी आप नाराज हो जाते हैं। लगातार मिल रही सफलताओं से भी निराश मत होइए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। सुन लेना, दुनिया उसी की कदर करती है, दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है, उसी के नहीं जो जरा सी भी मुसीबत देखकर हार मान जाते हैं। हौसला, क्या होता है हौसला? हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जितने भी जिंदगी में कोशिश क्यों ना करना पड़े, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। लिख देंगे हम भी एक दिन इतिहास जब मंजिल होगी हमारी मेहनत के साथ। चलो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कोशिश। क्या है ये कोशिश? कोशिश पर कोशिश जो करता लगातार है, सच पूछो तो सही मायने में वो ही जीत का हकदार होता है। आप जो मेहनत करते हैं वो आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। होगी हर मंजिल हासिल, तू चले की कोशिश तो कर। जीत मिलेगी हर जंग में, जीत मिलेगी हर जंग में, तू युद्ध की तैयारी तो कर। हम सब ने इस दुनिया में जन्म लिया है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्या रखना चाहिए। जिंदगी मिली है मुझे, जिंदगी मिली है, कुछ तो कर दिखाएंगे। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, आज वक्त तो खराब है क्या हुआ जनाब, एक दिन इसे भी बदल कर दिखाएंगे। अपने वह नहीं होते हैं, अपने वह नहीं होते हैं जो तस्वीर में साथ दिखे, अपने वह होते हैं जो तकलीफ में साथ दिखे। आपको पता ही होगा जन्म देने वाले माँ बाप, जो माता पिता की जरूरत जितनी हमें बचपन में होती है ना, उतनी ही जरूरत उनको बुढ़ापे में होती है। जो आजकल के बच्चे माँ बाप को संभालते नहीं हैं, उनको उल्टी सीधी बात करते हैं। जब दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझे ना, तब तुम्हारा जीतना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है कि जब लोग बोलते हैं ना कि इतना सीख के क्या किया, अभी तक एक रुपया भी नहीं कमाया, दुनिया बोलती है, दुनिया को बोलने दो, बस अपना काम करते रहो और हौसला रखो। सफल होकर हमें दुनिया जानती है, सफल होकर हमें दुनिया जानती है, और असफल होकर हम दुनिया को जान जाते हैं। जो आप अपने खुद पर कंफ्यूज होते हैं ना, जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, वहाँ एक चीज़ पक्का कीजिए, बस कोशिश। अगर कोशिश करोगे ना तो लाइफ में कभी भी नहीं हारोगे। कोशिश करना ये बहुत ज़रूरी है। जब कोशिश करोगे ना तो जीत सिर्फ और सिर्फ आपकी ही है। लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो तुम्हें प्यार का वह जिंदगी भर साथ देने का वादा करते हैं और गुमराह करेंगे, लेकिन तुम अपने गोल पर अड़े रहना और कोशिश करते रहना। एक बात यह है कि अपने मन में गांठ बांध लो। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी छूट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। दुनिया में हम इतने सफल हो जाएंगे एक दिन कि तुम्हें माफ़ी मांगने के लिए भी लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। लोग आजकल बहुत उल्टी सीधी बात करते हैं, ये आसमां को घमंड है ना, जिन सितारों पे एक दिन उन सितारों से ज्यादा चमक हमारे कंधों के स्टार पर हो। हर एक व्यक्ति के अंदर स्टार होती है, बस पहचानने के लिए टाइम लग जाता है। लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं कि 30 की उम्र में शादी और बच्चे के बारे में सोचते हैं, और मैं ये सोचती हूँ अपने माँ बाप को अपनी BMW की बैक सीट पर देखना चाहती हूँ। आप ऐसी ही उम्मीदें रखें अपने माँ बाप के बारे में। उनकी पूरी ज़िंदगी चली जाती है बच्चों को संभालने के लिए, लेकिन बच्चे बहुत जल्दी माँ बाप से अलग हो जाते हैं। ये भी ध्यान में रखना चाहिए
अगर अपने माँ बाप नहीं होते तो हम नहीं होते। तो गिव रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स। किस्मत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेहनत से सब कुछ मिलता है। अगर मेहनत करेंगे तो जीत आपकी ही होगी। पर अगर लाइफ में आपकी इरादे मजबूत होंगे ना, तो बाकी दुनिया क्या सोचती है कभी फर्क नहीं पड़ेगा। 18 से 24 की एज में आप अपना फ्यूचर बना भी ले सकते हैं और उसे बर्बाद भी कर सकते हैं। लाइफ में अगर किसी भी बड़ी सक्सेस को पाना होगा ना, तो आपके पास ऑप्शन नहीं, चॉइस चाहिए, बस चॉइस। ये चॉइस के साथ और आपके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ संघर्ष आसान हो जाएगा अगर आप अपनी जिंदगी में नेगेटिव लोगों को लात मार के निकाल देंगे। फिर देखिए क्या होता है। और आप सफल होना चाहते हैं ना, तो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए, जरूर सफल हो जाएंगे आप। और असफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती है, पता है, इसे बनाने के लिए मेहनत का होना चाहिए। आपकी एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ नहीं बदलती, लेकिन याद रखना, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। चाहे मंजर कितना भी धुंधला क्यों ना हो, लेकिन मंजिल नहीं। दौर पूरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी कभी नहीं। आप कभी भी अपनी जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरना। जिंदगी में सफल हुए तो जीत मिलेगी और असफल हुए तो सीख मिलेगी। अगर आपके मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं है, वो आपके सपने पूरे ना होने, अगर आपकी मेहनत जो है ना वो आदत बन जाए, तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता जब तक कि तुम हार मानकर खुद रुक नहीं जाओगे। ध्यान रखना, बी योर ओन हीरो। मेहनत इतनी करो और मंजिल ऐसी हासिल करो कि कोई आपने जीवन में बदलाव की उम्मीद तुमसे करे। पर जिंदगी में किसी भी परिस्थिति में आपको अगर जीतना हो तो चांद तारे हासिल करने हैं तो रात भर जागना ही पड़ेगा। सफलता तुम्हारी ही होगी, याद रखना, और पूरी मेहनत के साथ पूरी तैयारी करना। जीवन में जरूर ये करो खुद से वादा, जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इरादे अपना इरादा करो। क्योंकि जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। फिर देखना, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादे में जीत की गूंज चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी जीत कौन तय कर सकता है? तुम्हारी जीत किस्मत तय नहीं कर सकती, बल्कि तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी जीत तय कर सकती है। आपका जो हौसला होता है ना, उससे आगे कोई भी पर्दा नहीं होता है। आपके जो भी कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते दिए को भी आंधियों से डर नहीं लगता। मैंने मेरी जिंदगी में एक बात सीखी है, वो जरूर आपसे शेयर करूंगी। यह है कि इंसान को कोई भी चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद ना हार मान ले। जिंदगी के सफर से बस इतना सीखा है, सहारा कोई ही देता है, धक्का देने को हर कोई शख्स तैयार बैठा है। आपके जिंदगी में जीतने का मजा तब ही आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे। जीवन में कभी भी किसी न किसी बात पर हार जीत होती है। एक बोलना चाहूंगी, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यहाँ एक पन्ना था, अभी तो किताब बाकी है। आपको ये पसंद आया होगा। मंजिलें भी जीती है, रास्ते भी जीती है। देखते हैं कल क्या होगा। आप सभी के हौसले भी तो जीती है। जीत आपकी होगी, पलता आपकी है। कॉन्फिडेंट के साथ तैयारी करो एंड ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो
तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड मेरी ये मोटिवेशनल वीडियोस हमेशा देखते रहिए। धन्यवाद।